अगर हमारा इत्तेहाद इस तरह कायम रहा तो मैं ये यहाँ की एक ईंट को भी इंशाल्लाह हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि हमारे साथ में हमारे एमपी साहब है, एक ताकत है एमआईएम की हमारे साथ में। और एक पहला जमाना चले गया, खलील खान फाक तोड़ा देते थे, चंद्रकांत खैरे 20 साल तक जो है एमपी था और हम वहाँ के दरवाजे पर जा नहीं सकते थे, लेकिन आज तो हम हाथ पकड़ के उसको एमपी को ला सकते हैं यहाँ पे। तो एमपी साहब अपने साथ है तो अपने को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, अपना एक इलाका है, गरीबों का इलाका है। तो हम आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आप लोगों को कोई पैसे 10 रुपए टिकट को भी देने की जरूरत नहीं है। मैं ये वादा करता हूँ तुम्हारे से, और मैं पहले भी ये बोल चुका कि जब तक इंशाल्लाह मैं जिंदा हूँ यहाँ तुम्हारे मोहल्ले की या मेरे मोहल्ले की या रहमानिया कॉलोनी की एक ईंट भी निकलने नहीं दूंगा, और आपको एक नया पैसा भी खर्चा करने नहीं दूंगा। पूरा कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े तो इसका पैसा भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हम लोग, हमारा जो पैनल है, हमारे वकील फ्री हब चार्ज में लड़ने वाले हैं इंशाल्लाह, और हम पूरी ताकत के साथ में पूरे 25 कॉर्पोरेटर और हमारा एमपी आपके साथ है। आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरी भरी हुई है, एक इंच में जमीन खाली नहीं है, लोग रह रहे यहाँ पे। उन्होंने कॉर्पोरेशन ने सारी मूलभूत सुविधाएं, पानी है, लाइट है, ड्रेनिंग है, रोड है, सब हमको बना के दिए। कॉर्पोरेटर चुन के आ रहे, रहीम नगर से कॉर्पोरेटर चुन के आया, रहमान कॉलोनी से कॉर्पोरेटर चुन के आया, ये महल्ले बने हुए हैं और यहाँ पर ये ओपन स्पेस बनाकर ये जाना पड़ा। तो कोर्ट के अंदर कॉर्पोरेशन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं है, कॉर्पोरेशन नीम गवर्नमेंट है। कॉर्पोरेशन जो है तो एक संस्था है, जैसा एसटी महामंडल एक संस्था है तो कॉर्पोरेशन भी एक संस्था है। तो इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे तो ये हमारे मुकाबले में टिक ही नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते कि ये बेवकूफी की बात है कि जहां पर पूरी बस्ती बसी हुई है, तुमने सारी मूलभूत सुविधाएं दे चुके हैं और उसके बाद तुम ये जमीन हमको दे बोल रहे। ये तो कहीं छोटा बच्चा भी इसको एक्सपेरिमेंट के बगैर हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे कुछ है तो ये अभी आज ऐसा मामला है कि अगर अपने को खरगोश के शिकार को जाना है तो शेर का सामान साथ में रखना पड़ेगा। हो सकता है शेर से सामना हो जाए तो बोले क्या भाई मैं बंदूक नहीं लाया, मैं गुलेल लेके आया था। तो इसके लिए अपने को जो है देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर हमारा इत्तेहाद इस तरह कायम रहा तो मैं ये यहाँ की एक ईंट को भी इंशाल्लाह हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि हमारे साथ में हमारे छत्तीस के अंदर दो जगह इन्होंने रिजर्वेशन डाली, ये न्यू डेवलपमेंट प्लान के अंदर दो जगह इन्होंने रिजर्व करे, और रहमानिया कॉलोनी के अंदर वहां पर भी जो है तो दो जगह रिजर्व करे। तो अब ये प्लान को अपने को इसमें पूरी तरीके से हम लोग MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ MP इम्तियाज अली साहब के ज़ेर निगरानी उनकी क़यादत में हम जो है तो इस काम को पूरे लगे हुए हैं। और तकरीबन हमारे वकीलों का एक पैनल भी जिसमें खिजर पटेल है और भी दूसरे वकील हैं, प्रधान साहब बोल के एक है कॉर्पोरेशन के वकील थे वो भी हमारे साथ है। तो एक पैनल पूरा इसके ऊपर काम कर रहा है, और मैं जैसा बोल रहा कि इसमें ऐसा अपने को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि ये आए और अपने मकान ले ले या बुलडोजर चला ले या कुछ भी कर ले। सबसे पहले तो ये अभी कॉर्पोरेशन के अंदर ये न्यू डेवलपमेंट प्लान इन्होंने अभी ये नक्शा बनाकर, ये जो ऑफिसर्स थे जिसमें एक मुस्लिम थे रजा खान साहब और एक बॉम्बे से देशमुख साहब को बुलाया गया था, ये दोनों ऑफिसर ने मिलकर ये डेवलपमेंट प्लान को बनाया और कॉर्पोरेशन में कमिश्नर को पेश किया। अभी सिर्फ ये पेश किया गया, इसके ऊपर अमल बजावनी नहीं होंगी, ये यहाँ से जो है तो मंत्रालय जाएगा, मंत्रालय में इसकी मंजूरी होगी, उसके बाद फिर जो है तो इसके ऊपर अमल बजावनी होगी। तो इसके पहले कमिश्नर साहब से खादर साहब ने बात करे और कमिश्नर साहब ने 2 महीने का यानी 60 दिन का टाइम दिया ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए। तो हमको 60 दिन का टाइम है जिससे 15 दिन हमारे गुजर चुके, अब हमारे पास तो अभी 45 दिन बाकी है। तो इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इसको इतना हल्के में लेने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा हमारे को सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मसला है। जैसा बशीर भाई ने बताया कि इंसान अपने खून पसीने की कमाई करके एक आशियाना बनाता है ईंट ईंट को जोड़कर,
और ये लोग आकर बुलडोजर चला देंगे। ऐसा हुआ है, दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, लेकिन ये महाराष्ट्र इंशाल्लाह यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो अक्सरियत है और यहाँ पर ये महाराष्ट्र के अंदर इतना अंधा कानून नहीं चलेगा और हम चलने नहीं देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये हमारा इत्तेहाद, क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतजार मौत है। अगर जैसे ये हम इतिहास से आज सर जोड़ कर बैठे, इस तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो अभी हमारा पहला मरहला है कि हम लोगों को पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना है, और अगर आपके पास में बॉन्ड भी है तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास में टैक्स जरूरी है, आपके पास नल की पावती जरूरी है, आपके पास लाइट का बिल जरूरी है, तो ये तीनों चीजें आपके पास में कॉरपोरेशन के हद तक ये होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनको ये बताएंगे कि भाई जब तुम हम पर ये उसूल ऐसा है, मेरे वकील से बात हुई, उसूल ऐसा है कि ओपन स्पेस को एक्वायर करना चाहिए, जो ओपन स्पेस है। अब इनकी तो अक्ल मारे गए कि यहाँ पर ये इन्होंने जो है तो गूगल से देखे कि एक भी इंच जमीन खाली नहीं है, पूरा भरे हुआ है। और ये नक्शे के अंदर भी, ये नक्शा लाया मैं, बड़ा नक्शा लेके अपन उजाले में देखेंगे, इसके अंदर भी एक इंच जमीन खाली नहीं बता रहा है कहीं। फिर एक्वायर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब यह खाली जमीन नहीं है। नहीं, दूसरी बात है, ये किस चीज के लिए एक्वायर किया गया? ये एक्वायर किया गया प्लेग्राउंड के लिए, तो प्लेग्राउंड तो यहाँ पर मौजूद है एक नंबर स्कूल के पास, वो हमने मशवरा दिया उनको कि भाई वहां पर आप ये सारे छोटे मोटे जो रेजोल्यूशन जो महलों के अंदर जहाँ पर लोग बसती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर 40-40 साल से लोग जो है तो यहाँ पर रह रहे, और जिनकी मैं तो बोला कि जिनकी पुरानी रजिस्ट्री है 40 साल पहले की, जिनके पास पीआर कार्ड है पुराने, ये सब लोग जो है तो पूरे ये डॉक्यूमेंट को जमा करो। इसका फॉर्मेट जो है तो कॉर्पोरेशन ने दी है, अपन ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाकर ये तुम फर्दन भी दाखिल कर सकते, और नहीं तो अपन जो है तो इज्तिमाही तौर के ऊपर सब मिलकर एक 10-10 का बेंच बनाकर पूरे गलियों के अंदर लाइन से लेकर यहाँ पर भी जमा करेंगे। इसमें भी मैं पूरा तरीके से मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, और अल्लाह के फजल करम से मैं आप सब इतने लोग बैठे आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर हमारा इत्तेहाद इस तरह कायम रहा तो मैं ये यहाँ की एक ईंट को भी इंशाल्लाह हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ये हमारे साथ में हमारे एमपी साहब है, एक ताकत है हमारे एमपी हमारे साथ में, और एक पहला जमाना चले गया खलील खान फाक तोड़ा देते थे, चंद्रकांत खैरे 20 साल तक जो है एमपी था और हम वहाँ के दरवाजे पर जा नहीं सकते थे, लेकिन आज तो हम हाथ पकड़ के उसको एमपी को ला सकते हैं यहाँ पे। तो एमपी साहब अपने साथ है, तो अपने को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हालात आते रहते हैं, हालात बहुत है। आज देखो मुसलमानों में कितने बुरी हालत है, फलस्तीन के अंदर आज मासूम बच्चे जो है तो भूख से मर जा रहे, उनका इफ्तार के लिए उनके पास नहीं, उनका नहीं जो है तो शहर के लिए इंतजाम नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के फजल से घबराने की जरूरत नहीं है और हम पूरी ताकत से इसको लड़ेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को सबसे पहले डॉक्यूमेंट के कहावत है पुरानी के 100 बका एक लिखा, तो हमको पहले लिखावट की बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट है मूल मालक के तो रहते ही कंसल्टिंग पेपर जो रहते पूरे, वो पूरे पेपर होना, और अपने पास में सबसे पहले जो है तो मेरे मतलब अपने महलों के अंदर खास तौर से किरानपुरा रहमान कॉलोनी रहीम नगर नहीं, टोटल मुस्लिम इलाकों के अंदर जो है तो हम जो है तो इतनी लापरवाही करते टैक्स भरने के लिए। एक बात, कई लोगों के नल है जो लीगल नहीं है, सब इलीगल नल है। तो मेरे एक मशवरा है आपसे कि आपने अगर टाइम है अभी 45 दिन का, तो जिसके भी टैक्स है वो टैक्स भरने की कोशिश करे, नालों का भी जो है टैक्स वो भरो, लाइट के बिल तो सब भरी लेते, कोई टेंशन नहीं। ये अपने घर जितने पुराने होंगे हम ये बताएंगे कि 40 साल पहले से ही है, और जैसा अभी शाकिर साहब ने बताया कि ये 1972 में बरीदे साहब के एक इंजीनियर था, इन्होंने न्यू डेवलपमेंट प्लान जो है तो वो टाइम में पेश करे थे। तो जब से अब तक ना इनको नोटिस दिए और ना पैसे दिए। ऐसा ही एक वाकया भावसिंहपुरे का है, जिसके डॉक्यूमेंट मैंने निकाल लिया पूरे, हमारे बच्चे ने जागीर ने पूरे निकाल के रख लिया। भावसिंहपुरे का एक है और उस्मानपुरे का अपने सिलकबिल कॉलोनी का एक है, ये दो जगह के यही 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 सेम अपना ही खिस्सा कि 40 साल पहले जमीन को एक्वायर किया गया और एक पैसा भी नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दी गई। वकील की जमीन थी, सरदार जी था भावसिंहपुरे का, उसने लड़ा और वो केस में जीता और उसकी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी गई। तो उसके वो तो खाली थी, अपनी खाली नहीं है, अपनी तो पूरी भरी हुई है, एक इंच में जमीन खाली नहीं है, लोग रह रहे यहाँ पे। उन्होंने कॉरपोरेशन ने सारी मूलभूत सुविधाएं, पानी है, लाइट है, ड्रेनिंग है, रोड है, सब हमको बना के दिए,
कारपोरेटर चुन के आ रहे, राजीव नगर से कारपोरेटर चुन के आया, रहमान कॉलेज से कारपोरेटर चुन के आया, ये महल्ले बने हुए हैं और यहाँ पर ये ओपन स्पेस बनाकर, तो ये नामुमकिन है। ये जो है तो कारपोरेशन के अंदर ही कोशिश तो हम ये करेंगे कि कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। मेरे एमपी साहब से बात हुई कि कोर्ट ना जाए, अपन कोशिश ये कर लेंगे कि ये कम से कम कारपोरेशन के अंदर ही बैठकर गुडविल के अंदर ये काम को कर लिया जाए तो ये अच्छा भी हो जाएगा अपने लिए। और दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता अपने को कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट के अंदर कारपोरेशन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं है, कारपोरेशन नीम गवर्नमेंट है। कारपोरेशन जो है तो एक संस्था है, जैसा एसटी महामंडल एक संस्था है तो कारपोरेशन भी एक संस्था है। तो इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे तो ये हमारे मुकाबले में टिक ही नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते कि ये बेवकूफी की बात है कि जहां पर पूरी बस्ती बसी हुई है, तुमने सारी मूलभूत सुविधाएं दे चुके हैं और उसके बाद तुम ये जमीन हमको दे बोल रहे, ये तो कोई छोटा बच्चा भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम दे दिए हमारे सारी सहूलियत तुम दे रहे और बाद में बोले हमको जरूरत ये दो। तो जो खाली पड़ी हुई है वहां जाओ और वहां लो, तो ये कोर्ट में नहीं टिकते। और दो रोलिंग कोर्ट की जीती हुई अपने पास है, अपने को ये घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात दूसरी कि कोर्ट कचहरी के अंदर भी खाली आप लोग को एक ही तकलीफ हम देना चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट क्लियर करो अपने और मेरे पास दो, ये अगर आप फॉर्दन भी जाके जमा कर सकते हो तो वो भी कोई इतराज नहीं, लेकिन मेजोरिटी जिला मेजोरिटी में एक ताकत है, इज्तिमाहीत में एक ताकत है, इज्तिमाही से चलेंगे तो अल्लाह आपको कबूल करेगा। क्योंकि मशवरा आप यहाँ मशवरे के लिए बैठे, मशवरे में खैर है और मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होने का है। हमको जो है तो लड़ना है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम हक पे है, हक की हमेशा जीत हुई और बातिल की हमेशा हार हुई। देर लगेगी हमको इंशाल्लाह, लेकिन हम कभी हारने वाले नहीं है। अब रही बात कोर्ट कचहरी की, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, अपना एक इलाका है, गरीबों का इलाका है। तो हम आपसे मैं ये वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई पैसे 10 रुपए टिकट को भी देने की जरूरत नहीं है। मैं ये वादा करता हूँ तुम्हारे से और मैं पहले भी ये बोल चुका कि जब तक इंशाल्लाह मैं जिंदा हूँ यहाँ तुम्हारे मोहल्ले की या मेरे मोहल्ले की या रहमानिया कॉलोनी की एक ईंट भी निकलने नहीं दूंगा और आपको एक नया पैसा भी खर्चा करने नहीं दूंगा। पूरा कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े तो इसका पैसा भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हम लोग, हमारा जो पैनल है, हमारे वकील फ्री ऑफ चार्ज में लड़ने वाले हैं इंशाल्लाह, और हम पूरी ताकत के साथ में पूरे 25 कॉर्पोरेटर और हमारा एमपी आपके साथ है। आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह पूरा काम होगा। ये ऐसे आते रहते कि ये इम्तिहान तो छल्ला लेता है कि मैदान इम्तिहान है घबरा के हट ना जाना, मैदान इम्तिहान है घबरा के हट ना जाना, तकबीले जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। तो हमको डरने का नहीं है, ऐसे इम्तिहान आते रहेंगे इंशाल्लाह, हम इसका मुकाबला करेंगे और हम और पूरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके साथ है। आपकी इंशाल्लाह घर की एक ईंट को हम धक्का नहीं लगने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको डॉक्यूमेंट को क्लियर करना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी के अंदर भी हम सब कर लेंगे। इसके बाद में आपको जो भी काम करना है कल से आप काम को लग जाओ, अपने अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर करो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टरी होना, जिसका रजिस्टरी है पीआर कार्ड है बहुत अच्छी बात है, हम ऊपर वो चीज लगाएंगे और जो जो बर्न वाले है उसको नीचे रखेंगे, जो सब चेक कराएंगे, इसकी हेयरिंग होंगी बाजाबता हेयरिंग के अंदर अपने वकील का जो पैनल है और हम लोग कॉर्पोरेटर है जो है एमपी साहब है, हम लोग पूरी पूरी उसके ऊपर नजर रखेंगे, हमारे वकील वहां पर खड़े रहेंगे और हेयरिंग होंगी इसकी, जो अपने जो ये जितने भी अपने इतराजात जो वहां दाखिल होंगे कॉर्पोरेशन में इसकी बाजाबता हेयरिंग होंगी, इसके ऊपर नजरसानी होंगी, इसके ऊपर एक पैनल बैठेगा वो आके चेक करेगा। हम ये बोलेंगे भाई यहाँ पर एक इंच जमीन खाली नहीं है, वो बोलेगा ऐसा कहते हम ब्रेम चल के देख लो, वो आएंगे इसका मायना करेंगे, वो रिपोर्ट देंगे कि हाँ भाई यहाँ पर एक भी जमीन खाली नहीं है, तो लिहाजा इसको डिलीट कर दिया जाए। तो ये अपना इंशाल्लाह डिलीट होगा, आप इसकी फिक्र मत करो और सब मिलके खाली डॉक्यूमेंट अपने जो है वो बनाने की तैयारी करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बगैर हम नहीं लड़ सकते। क्योंकि हमारे को जो है तो अभी आज ऐसा मामला है कि अगर अपने को खरगोश के शिकार को जाना है तो शेर का सामान साथ में रखना पड़ेगा, हो सकता है शेर से सामना हो जाए तो बोले क्या भाई मैं बंदूक नहीं लाया मैं गुलेल लेके आया था। तो इसके लिए अपने को जो है तो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर रखना पड़ेंगे, अब जो है तो डॉक्यूमेंट क्लियर कर लो और ये होगा। फिर आपसे एक बार वादा करता हूँ कि भाई ना आपको कोर्ट कचहरी का खर्चा होने देंगे इंशाल्लाह और ना कॉर्पोरेशन में, खाली आपको एक बार डॉक्यूमेंट क्लियर करो, आप कॉर्पोरेशन जा सकते हैं तो जाके जमा करो, नहीं जा सकते तो मेरे ऑफिस पे जमा करो, मैं वहां से पूरे के पूरे कंप्लीट करके पूरे बंच बना के 10-10 के उसका अलग एक पूरा कंप्लीट करके हम एक साथ में ले आगे वहां पर दाखिल कर देंगे। इसके लिए अगर आपको भी कोई मशवरा देना है, क्योंकि मशवरे में खैर है
तो आप बोल सकते हैं जो भी जैसा, इसमें किसी को ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मेरे को बहुत मालूम आते हैं, ये ऐसे रहते कभी कभी अल्लाह वाले रहते कि उनकी जबान से बात निकल गई तो वो भी बोलते रहते, उतना ही बहुत असर पड़ जाता। तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो खड़े रहकर बोलो, मशवरा है इसमें, अपने कोई ये नहीं, जो भी बोल सकते बोलो, अपने अपने राय दे सकते हैं, अपने राय दे सकते हैं। बोलिए, बोल रहा था हर गली से दो तीन लोग या चार लोग का एक मेंबर बोलो, हर गली में वो मेंबर चार पांच लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट का पूरा। पाँच से दस लोग जुड़ जाओ, एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप के जरिए वो ग्रुप जो है तो पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट जमा करके आपके ऑफिस में सबमिट करेंगे, है कि नहीं? हर गली में फिर ऐसा एक ग्रुप बना लेंगे अपने, एक गली में दो तीन पढ़े लिखे, हाँ दो तीन पढ़े लिखे डालेंगे। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है, उन्हें सिल्वर बटन मिला है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।